हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने सीरीज़ नंबर 2 के 10 क्वेश्चन किए थे, तो आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आंट स्टिंग? कीड़ी दे डंग विच मौजूद तेजाब दा ना दसो। ऑप्शन इन्हें दी है, मेथनाइक तेजाब या ऑक्सलिक तेजाब या सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। इन्हां विच्चों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है जी। मेथैनिक तेजाब, मेथैनिक एसिड जेड़ा ओ हैगा कीड़ी दे डंग विच जेड़ा मौजूद एसिड है, मेथैनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द 4 पॉइंट ऑफ ह्यूमन हाई विद नॉर्मल विजन? कहिंदे कि मनुखी अख दी सधारण दृष्टि लई दूर बिंदु अख तो किन्नी दूर उत्ते हुंदा है? ऑप्शन हैगी जी 25 सेंटीमीटर है जां अनंत इनफिनिटी है जां 25 मीटर है जां इन्हां विच्चों कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जी 25 सेंटीमीटर की दूरी जड़ी है होनी चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, मान लो एक्स है, हवा की होंद विच गर्म करन नाल काले रंग का हो जाता है, इस तत् का नाम दसो। केड़ा तत् हो सकता जी? ए जा कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, एलमीनियम हो सकता है या कैल्शियम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है जी कॉपर। ओ कॉपर जेड़ा जदों असीं इनू गर्म करते हैं तो उसका जेड़ा रंग है वो काला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द जाइलम इज़ द प्लांट आर रिस्पोंसिबल फॉर, कि पौद्यां विच जाइलम का काम है, पौद्यां विच जाइलम का काम है, पानी का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या भोजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जाए, अमीनो तेजाब का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है पानी का परिवहन, ऑप्शन ए जिन्हों असी कहने हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर whose radius is 32 सेंटीमीटर। कहते कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता अर्ध व्यास जड़ा 32 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स, ये जड़ी है वक्रता का जड़ा अर्ध व्यास दिते असी आर दे नाल असी डिनोट करने हैं, वो साढ़े को 32। तो आर जड़ा साढ़े को 2f दे बराबर, ए किदे बराबर होंदा है 2f दे बराबर होंदा है। इहदे विच असीं f दी वैल्यू कढ़ांगे साडे आएगा r बटा 2, ते r दी वैल्यू किन्नी है 32। इहनूं असीं कैंसल करांगे 2 1 2 ते 16 2 32, तां आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इहदा ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर, 16 मिलीमीटर, 64 सेंटीमीटर। द राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। कहिंदा कि फुल्लां विच पराग कणां दा पैक्सन तो इस्त्री केसर ते स्टिग्मा तक दे परिवहन नूं कहिंदे हन। की कहिंदे आ जी? पोलीनेशन कह जांदे आ, फर्टिलाइजेशन कहिंदे आ, जां जर्मीनेशन कहिंदे आ, जां
जायोट युग्मज कहते हैं? तो इसका आंसर है जी परागण पोलीनेशन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पोलीनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होंगे? 1 किलोवाट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नीचे पंजाबी च भी लिखे 1 किलोवाट। तो ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁵ जूल, या 3.6 × 10⁴ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁷ जूल। तो इन्हें सॉल्व करते हैं जी, साढ़े को कि एक जो वाट होंगे, वाट का यूनिट होंगे जूल पर सैकेंड, तो किलो वाट जोड़ा साढ़े को आ जाएगा 1000 जूल बाय सैकेंड। तो 1 किलोवाट आर ते इतनों ही आर दे नाल एक घंटे नाल गुना कर देंगे, एक घंटे दे विच किन्ने सैकेंड होंगे है 3600 सैकेंड होंगे है, 1000 × 3600 सैकेंड दे नाल असी गुना कर देंगे, सैकेंड दे नाल इत्थे सैकेंड दी वैल्यू जिहड़ी है कैंसल हो जानी है, तो साढ़े को आ जाना 3.6 × 10⁶ जूल जिहड़ा इहदा राइट आंसर है। तो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 3.6 × 10⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि बूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। कहते हैं ब्यूटेनॉन 4 कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। तो ऑप्शन है कि ये कार्बोलिक्सिक तेजाब है, कार्बोसाइलिक एसिड, या नू कहने हैं एल्डिहाइड, या कीटोन, या अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी कीटोन, राइट आंसर है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। दिमाग दा केड़ा भाग शरीर दी स्थिति अते संतुलन नू बनाई रखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम ते मध्य दिमाग। इसकी ऑप्शन ऑप्शन है जी ऑप्शन ए सेरिबेलम, सेरिबेलम ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। कहिंदा कि हेट लिखियां विच्चों केड़ी किस्म की दवाई बदहाजमी दे इलाज ले करन लई वरती जाती है, एंटीबायोटिक, या एनालैजिक, या आंट एसिड, या एंटीसेप्टिक। तो इन्हां दी ऑप्शन है ऐ जी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आंट एसिड जड़ी है किस्म की जड़ी दवाई है वो बदहाजमी दे इलाज दे लई वरती जाती है। क्वेश्चन नंबर है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रीप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। हेठ लिखिया विचों केड़ा मनुख विच मादा जनन प्रणाली का भाग नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हो जी अंडकोश, ओबरी, या शुक्राणु वाहिनी, या यूट्रस गर्भकोश, या फैलोपियन ट्यूब्स। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन वी शुक्राणु वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ इज़ द हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड। दूर दृष्टि दोष किवें ठीक किया जाता है? दूर दृष्टि दोष किवें ठीक किया जाता है? अवतल लेंस के नाल, या उत्तल दर्पण के नाल, या उत्तल लेंस के नाल, या अवतल दर्पण के नाल। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, या असी लिख सकते हैं यूजिंग कनवैक्स लेंस।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करदा कि अगर तुहानू वीडियो चंगी लगती है तो वीडियो में ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो तो शेयर करो तो चैनल में सबसक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।